पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में पुलिस पेंशनर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से सैकड़ों की तादाद में रिटायर्ड पुलिसकर्मी से लेकर डीआईजी स्तर तक के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गोष्ठी में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की समस्याओं पर चर्चा करने के साथ साथ उसके निवारण के विषय में भी बताया गया। इस दौरान एडीजे ने 50 पेंशनरों को स्मार्ट पेंशन कार्ड भी वितरित किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित वरिष्ठ सेवा निवृत्त अधिकारी और अन्य पेंशन भोगी उपस्थित रहे। जिस तरह आप पेंशनरों की मर्यादा रखते हैं, इज्जत करते हैं, जाने पर उनसे स्वतः मिलते हैं, उसी तरह से मशीन खराब चल रही थी और यहाँ नहीं बन रहा था। यह समस्या सिर्फ गोरखपुर नहीं, स्वयं आपने रखा और आज वैसे भी महत्वपूर्ण दिन है। उसी तरह हमारे एसएसपी साहब हमारे एसएसपी साहब ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जाते हैं ये हाथ तो मेरे हिसाब से जाते हैं, मतलब किसी भी खराब है। मैं अकेला वहां पर बताया कि मेरे रेंज में हमारे। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी रेंज जयनारायण सिंह ने कहा, पिछले दो दिन से जाते हैं वार्षिक निरीक्षण की प्रक्रिया के तहत। हमारे जो पुलिस पेंशनर्स हैं, जिसमें रिटायर्ड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सस्पेक्टर से लेकर के डीआईजी स्तर तक, श्री जेपी सिंह साहब जो सेवानिवृत्त डीआईजी हैं, जाते हैं, आज इस पुलिस पेंशनर की बैठक में आए थे। उनको इस बैठक में जाते हैं जो आई कार्ड होता है, जाते हैं, काफ़ी समय से नहीं वितरण किया गया था, उसका वितरण किया गया है। इसके अलावा उनकी जो समस्याएं हैं, विशेष रूप से जाते हैं जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति होती है, क्योंकि ये लोग बुजुर्ग हैं, जाते हैं, इस तरह के प्रकरण कुछ लंबित अन्य जिलों में हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो है इस रूप में खुशी व्यक्त की है कि ज़्यादा प्रकरण लंबित नहीं है। इसके अलावा जाते हैं उनके जो है पेंशन संबंधी जो समस्याएँ हैं, उनको जो है यहाँ पर जाते हैं निस्तारण किया गया है। इसके अलावा पुलिस परिवार में चूँकि ये लोग जो है के हिस्सा हैं, इनसे भी ये अपेक्षा की गई जाते हैं कि जो वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर के चीज़ें चल रही हैं, उसमें भी पुलिस थाना अध्यक्ष को, क्षेत्राधिकारियों को लगातार उनसे संपर्क में